हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव से आए साहिल त्यागी की एससीएस में सिलेक्शन हुई है। ये एक एग्जाम्पल है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो पहले अटेम्प्ट में हार मान जाते हैं या फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उस पर कहीं ना कहीं नीचे हो जाते हैं। एक बहुत जरूरी होता है कि अपने पर विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस रखना और मेहनत से स्टडी करना, मेहनत लगन से काम करना। साहिल त्यागी हमारे साथ हैं और उन्होंने एससीएस में उनकी सिलेक्शन हुई है और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह से परिवार का उनको सहयोग मिला, आज हम उनके पास पहुंचे हैं। साहिल जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। साहिल, किस तरह से आज सिलेक्शन हुई है, किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे, क्या से कैसे स्ट्रगल जो है वो आपने अपनी लाइफ में? जी सर, मेरी अगर मैं बैकग्राउंड कहूँ तो मैंने बीएससी और एमएससी मैथ्स की है। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सिलेक्शन हो गया था। तो ड्रीम मेरा ग्रेजुएशन से था कि मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। तो जॉब के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ इस मैथ सीएस में, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा और तीसरे अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें मेरे पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का, सभी का अनकंडीशनल सपोर्ट था। उनके सपोर्ट की वजह से मैं अचीव कर पाया। जैसे आपने बताया कि आपकी गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में लगी थी, जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, परिवार भी देखना है, क्योंकि आप एक साधारण परिवार से आते हैं। जी सर, इसमें मैं कहूंगा कि सबसे जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट, हम अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं ऑफिस में था, अगर मेरे को 10 मिनट भी मिलती तो मैं सोचता था कि उसको किस तरह अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाऊं। तो उसमें ऑनलाइन सोर्सेज से करंट अफेयर्स कवर कर लिए, इस तरीके से मैंने अपना बेटर टाइम मैनेजमेंट रखा। और सिर्फ ये नहीं कि मैं सिविल सर्विसेज दे रहा था, और भी जितने भी एग्जाम है मैं वो दे रहा था। सीजीएल 2022 में मेरी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और हाल ही में मेरी दिल्ली में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पद पे मैं चयन हुआ हूँ। अच्छा। और साथ में मेरा एचसीएस में हो गया है, तो यहाँ पे मैं ज्वाइन करूंगा। यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो किस तरह से देखते हैं, परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? जी सर, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं था कि घर का काम मुझे करना है, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। मेरे दो बड़े भाई हैं, तो घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे तक कभी आई नहीं पाई, उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। और मेरा एक काम था कि अपने एम को अचीव करो, पढ़ाई करो जितना मैक्सिमम हो सके। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कॉन्फिडेंट लेवल एक फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं क्लियर होता तो कॉन्फिडेंट लेवल गिर जाता है, उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि कई बार डिमोरलाइज होते हैं, हालांकि परिवार की सपोर्ट तो बहुत जरूरी है, लेकिन डिमोरलाइज खुद भी हो जाते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आगे छोड़ देते हैं। सर, उसके लिए मुझे लगता है कि जो हमारा मेन एम है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था, अगर वो मोटिवेशन हमारा क्लियर है कि हमें क्यों करना है, अगर वो क्यों क्लियर है तो कैसे करें वो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा सर। और क्योंकि कुछ लोग है कि दूसरों की सक्सेस देख के, कि ओवर मोटिवेशन में कि हम स्टार्ट करेंगे तैयारी, वो करते हैं शुरू, एक दो महीने में मोटिवेशन वो डाउन, लेकिन जब तक हमारा इनर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि इसमें सबसे जरूरी है कि हम लंबे टाइम तक तैयारी रखें। परसीवेरेंस, डेडिकेशन और मोटिवेशन टू अचीव द गोल्स, पेशेंस, डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है, डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई हमें चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए, एक महीने के लिए, वो कंटिन्यू, उसमें एक साल लग सकता है, दो साल लग सकता है, तीन साल भी लग सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप ऑफिस होते थे, शाम के बाद फिर रात तक पढ़ाई और स्टडी वगैरह? जी सर, इसमें मैं कहूंगा कि लाइब्रेरी की बहुत इम्पोर्टेंस थी। तो मॉर्निंग में भी मैं सुबह उठ के पढ़ता था, और इवनिंग में जैसे ही ऑफिस खत्म हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट मैं जाता था लाइब्रेरी। तो जितना भी हो पाता था 10, 11, 12 बजे तक मैं पढ़ता था। कहने का मतलब आप अकेले ही लगे रहते थे, चाहे ऑनलाइन कुछ मिल रहा है, करंट अफेयर्स जो है वो किए जा रहे, तो उसके साथ साथ एक कह सकते हैं कि एक अपना एक वो था कि पूरी तरह से करना है। जी सर, क्योंकि अभी ऑनलाइन सोर्सेज इतने हो गए हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम रिमोट रीजन में हैं, विलेज में हैं, हमारे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर हम देखें यूट्यूब पे और ऑनलाइन वेबसाइट इतनी है, जैसे इनसाइट्स आईएएस है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने वो फॉलो की, तो उन सब ने मुझे हेल्प किया बड़ा। यानी कि ये बहुत चीजें जरूरी हैं कि खुद भी अगर आप चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जी सर, बिल्कुल। और एक और मैं कहूंगा कि एक राइट पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है, कि ऐसे 2-3 बच्चे जो सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। वंस यू फाइंड द राइट पीयर ग्रुप, सिलेक्शन इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सोनीपत में कौन सा गांव है आपका? अगवानपुर। जी सर, अगवानपुर। मैम आपके देवर हैं? देवर हैं, यस सर।
किस तरह से रहा, जैसे उन्होंने बताया कि स्ट्रगल की गई, आप लोगों को किस तरह से सपोर्ट रहा? सर ये जब मैं शादी करके आई थी 9th-10th क्लास में थे, तो हमने तो उसी टाइम से देखा बेहद मेहनती हैं पढ़ाई के मामले में, तो सब हर कोई जो देखता था यही बोलता था कि ये लड़का कुछ बनेगा एक दिन, कुछ करेगा। तो मन में थी जैसे इन्होंने बताया कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो हमारे से भी मतलब जितना भी हमारे से हुआ है कि जो भी हेल्प हम कर सकते थे, जो मतलब घर में तो इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह की कोई बर्डन घर का, तो कोई जिम्मेवारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था। फिर ना ये था कि मतलब जैसे रहते हैं अकेले रहना पड़ जाता है कि खाने की टेंशन है, ये है कुछ है कि किस टाइम जाना है किस टाइम, तो मतलब सब कुछ मतलब हमारे से जितना भी हुआ हमने कराया सर। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, आप भी अब चाचों की तरह ही अपने चाचू के जैसा बनना चाहते हो बड़े होके? हाँ। बनोगे आप? हाँ जी। क्या अपने चाचू से प्रेरणा लोगे, मोटिवेशन लोगे, ऐसे ही मेहनत करोगे इतनी, और अपने घर का परिवार का देश समाज का प्रदेश का नाम रोशन करोगे? तो ये क्या बनना है, क्या बनना आपको? पुलिस। अच्छा आपने पुलिस, और आपने? मेरे को भी पुलिस। पुलिस बनना है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, करते हो? ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है, एक कहते हैं देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को भी। जी सर। तो आप इनके साथ भी टाइम बिताते हो? जी सर, होता है मतलब कि किसी दिन छुट्टी है, मान लिया महीने में एक दिन अगर हम घर पे हैं तो वो डेफिनेटली सर वो है। अब आगे का क्या, किस तरह से आपकी जो प्लानिंग है, आपने आईएएस की भी जो है वो किया हुआ? मेरी यूपीएससी के लिए भी जो तैयारी है वो कंटिन्यू है, और अभी इसमें ज्वाइन करूंगा मैं, लेकिन साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू रहेगी। मेरा एम है कि मैं आईएएस बन जाऊँ। आईएएस बन, यानी कि एम है। परिवार गांव में आपके फादर साहब मदर साहब हैं, उनको पूरा गांव में, मुझे लगता है आप ही फर्स्ट पर्सन हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। जी सर, गांव में मेरा फर्स्ट सिलेक्शन हुआ एचसीएस में, तो मैं ही नहीं मेरे साथ मेरी फैमिली और आस पड़ोस में जितने लोग हैं गाँव के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है, और उन्होंने मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया है पेरेंट्स को, और मेरे पास भी बहुत सभी रोड मैप तैयार किया आपने? देखो जिस तरह से लगातार हरियाणा की अगर हम बात करें, एससी साहब ने सिलेक्ट हुआ है, कुछ रोड मैप तैयार किया है कि समाज के लिए या लोगों के लिए किस तरह का काम करना है, किस तरह की चीजें जो है वो समाज में लेकर आना है? जी सर, इसमें मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि मुझे जो भी डिपार्टमेंट मिले, तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाऊं, क्योंकि कई बार होता है कि जो सिटीजन्स है ग्राउंड लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व नहीं की जाती, फाइल्स में चल तो रही है वो बातें लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो मेरा एम रहेगा कि पब्लिक के लिए जितना हो सकता है मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, यानी कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो भी सरकार की स्कीम होती है, और खासतौर पर जो गाँव के लोग हैं, और जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और रिमोट रीजन्स में लोगों को पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या चल रही हैं, तो रहते वो बेनिफिट नहीं उठा पाते उसका। उस पे आप काम करें। जी सर, अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और चीजों को पता भी नहीं होता। तो बिल्कुल जैसे साहिल त्यागी ने बताया कि स्ट्रगल यानी कि हार नहीं मानना चाहिए, और परिवार का तो हालांकि काफी सपोर्ट रहता ही है, लेकिन खुद जब मेहनत इंसान करे, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उन लोगों के लिए भी एक लेसन है जो कि हार मान जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हो पाया तो वो हार मान ली कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था। बात किस्मत की नहीं, बात एक मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है, कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आप ठान लें तो वो क्या नहीं हो सकता। एक स्टडी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कई बार जो डिमोरलाइज हो जाता है या फिर किसी की तरह किसी की बातों में आकर, लेकिन खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल साहिल त्यागी का है जो कि एक साधारण परिवार से आते हैं, सोनीपत के एक छोटे से गांव से आते हैं, और परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि अब एससीएस में इनकी सिलेक्शन हुई है और एक दो दिन में इनकी ज्वाइनिंग होगी, जहां पर भी इनको डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इनका रोडमैप भी तैयार है कि किस तरह से काम करना है, लोगों के बीच में जाकर काम करना है, कि क्योंकि खुद ये एक साधारण परिवार से आते हैं, किस तरह की दिक्कतें इन्होंने झेली, किस तरह से इन्होंने काम किया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कह सकते हैं कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।